नए यूपी में माफियाओं को संरक्षण नहीं, केवल मान मर्दन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव की वर्चुअल बैठक कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, विकास के आगे भोथरे हो चुके हैं विपक्ष के जातीयता सांप्रदायिकता के हथियार। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा और अन्य दलों की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश ने वह दौर भी देखा है जब अपराधी माफिया राजनीतिक दलों की नीतियां तय करते थे। सत्ता इन्हें सिर आंखों पर रखती थी, जिसकी बदौलत यह लोग खूब फले फूले, गरीबों की जमीन पर काबिज कर महल खड़ा कर लिए। पर अब यह सब नहीं चलेगा, यह नया यूपी है जो अपराधियों का मान मर्दन करता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर मल्हनी जौनपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर वहां के बूथ मंडल और सेक्टर के प्रमुख पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसके अनुसार केंद्र में और प्रदेश में काम हो रहे हैं। कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी 87 लाख पात्रों, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को एडवांस पेंशन, 4 करोड़ घरों की बिजली, 41 लाख लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन, गरीबों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय, प्रदेश की 24 करोड़ से अधिक जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पहले चरण में हर मंडल में मेडिकल कॉलेज, विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण, देश और दुनिया को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए जेवर, कुशीनगर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के साथ अन्य जगहों पर एयरपोर्ट का निर्माण इसका सबूत है। सीमित सोच को रास नहीं आ रहा विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जिनकी सोच में ही विकास नहीं है, जिनकी सोच जाति, मजहब और धर्म और क्षेत्र तक सीमित है, जो पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं, अराजकता और भ्रष्टाचार जिनकी पहचान है, जिनके जमाने में विकास के 90% पैसे का बंदरबांट हो जाता था, उनको बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शी के साथ हो रहे विकास के कार्य और गरीबों की खुशहाली रास नहीं आ रही है। लिहाजा वह समाज को बांटने का, जाति और संप्रदाय का वही पुराना हथकंडा अपना रहे हैं। पर अब ऐसे लोगों की दाल अब गलने वाली नहीं, जनता सब जान चुकी है, लगातार उनको बता भी रही है, उपचुनाव में भी बताएगी। संवाद और संपर्क को बनाए हथियार। स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि संवाद और संपर्क कोरोना के कारण बदले हालात में हो रहे इस चुनाव का मुख्य हथियार होगा। इसके आधार पर अगर आप अधिक से अधिक मतदान करा ले गए तो जीत सुनिश्चित है। मैं जानता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता साल भर 24 घंटे तैयार रहते हैं, जरूर सिर्फ समय के अनुसार, रणनीति के अनुसार फोकस बढ़ाने की है। कार्यक्रम के शुरू में क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने सबका स्वागत किया, जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने आभार जताया। बैठक में सांसद डीपी सरोज, सरकार के मंत्री अनिल राजभर, उपेंद्र तिवारी, गिरीश यादव, प्रांतीय मंत्री संजय राय के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि, मंडल, सेक्टर और बूथ के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, प्रदेश मंत्री श्री संजय राय जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, सुपेंद्र तिवारी जी, श्री गिरीश यादव जी, मान्य सांसद श्री बीपी सरोज जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विद्यासागर सोनकर जी, मान्य विधायकगण श्री रमेश चंद मिश्र जी, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, दिनेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से अंतर्गत आने वाले सभी हमारे मंडल अध्यक्ष गण श्री नरेंद्र विश्वकर्मा जी, जितेंद्र मिश्र जी, शैलेश सिंह जी, भूपेश कुमार सिंह जी, अजय मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला, मंडल और क्षेत्र के सभी पदाधिकारी गण, सेक्टर के प्रभारी, बोर्ड के सभी अध्यक्षगण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जनपद जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के
सेक्टर और बूथ स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आज के संवाद कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे 26 सितंबर को आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से आपके साथ एक बार फिर से मुझे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन महामंत्री जी को, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना ने हम सबको एक नई जीवन दृष्टि दी है, खासतौर पर वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम अपनी दिनचर्या में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का भी काम कर सकते हैं, संवाद स्थापित करते हुए संगठन के कार्य को भी एक नई गति दे सकते हैं। और ये कार्य बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और आप सभी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के इस महामारी के दौरान अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मंडल में, जनपद में और प्रदेश में बेहतरीन कार्य करके दिखाया है। सेवा ही संगठन ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा कोविड-19 के दौरान देखने को मिला, वो प्रदेश में आने वाले सभी जितने भी प्रदेश के अंदर प्रवासी कामगार थे या फिर लॉकडाउन के दौरान भी कार्यकर्ताओं ने इसको महसूस किया है। इसकी सर्वत्र सराहना हुई है, लेकिन कोविड-19 का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कोविड-19 के खतरे से बचाव करते हुए हमें इस उपचुनाव में मल्हनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवानी है। ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है और इसीलिए आज इस वर्चुअल संवाद से मैं आपके पास जुड़ करके एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक विश्वास जगा है, ये विश्वास शासन के प्रति, ये विश्वास नेतृत्व के प्रति, ये विश्वास विकास के लिए, ये विश्वास देश की सुरक्षा के लिए और ये विश्वास वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ रही प्रतिष्ठा को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का हो या दुनिया के अंदर एक समृद्ध भारत के रूप में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सफलतापूर्वक अपनी इस कहानी को आगे लेकर के चल रहा है। तो विगत 3.5 वर्षों से प्रदेश के अंदर आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की मदद से वही कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू करने के प्रयास हुए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से आज के इस अवसर पर इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड-19 से बचाव करते हुए हमें लोकतंत्र के इस पर्व को भी अधिकाधिक उत्साहपूर्ण बनाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे, किसी को छूने पर पानी और साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की कार्रवाई करेंगे
ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। कोविड-19 के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अक्सर से पालन करेंगे, लेकिन जनता के बीच में शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य भी करेंगे। अद्भुत कार्य हुआ, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को खाद्यान्न मिलना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत, यह अपने आप एक अद्भुत कार्य हुआ। लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय था, लेकिन यह कार्य सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त हुई, देश के अंदर सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण देश के अंदर पहले से ही टेक्नोलॉजी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आग्रह रहा, समयबद्ध ढंग से चले हुए चरणबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का परिणाम था कि हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़ा, और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इस पूरे कोरोना कालखंड के दौरान आपने देखा होगा हर एक गरीब को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिया गया, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, सभी आश्रितों को समय से उपलब्ध हो गया। भरण पोषण भत्ता के लिए प्रवासी कामगार हो, निर्माण श्रमिक हो, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हो, कुली या पल्लेदार हो, इन सबको भी इसका लाभ दिया गया। राशन किट की व्यवस्था हो या फिर भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था, ये सभी कार्य हुए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के कार्य रहे हो, या फिर कृषि आत्मनिर्भरता के पैकेज के अंतर्गत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए जाने वाले कार्य, अद्भुत कार्य हैं। इन सभी कार्यक्रमों ने एक नई छवि प्रस्तुत की कि हम आपदा को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं, और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण आज हरेक फील्ड में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन जहां एक गरीब प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, वैश्विक महामारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने प्रत्येक नागरिक को बचाया है, वही जिन्हें गरीब के चेहरे पर खुशी अच्छी नहीं लगती, जिन्हें प्रदेश और देश की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने अनर्गल प्रलाप करने प्रारंभ कर दिए, साजिशें रचनी प्रारंभ कर दी। आप याद करिए, जब हम प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भारत सरकार की मदद से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, तब कुछ राजनीतिक दलों के लोग ऐसे भी थे जो खड्यंत्र करने में लगे थे। उस समय का खड्यंत्र भी सोचिए, किस प्रकार के खड्यंत्र थे, बस के नंबर के स्थान पर स्कूटर के नंबर दिए जा रहे थे, फर्जी नंबर दिए जा रहे थे, कबाड़ ट्रकों के नंबर दे करके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कुत्सित चेष्टाएं हो रही थी, और वही खड्यंत्र अभी भी बंद नहीं हुए, ये लगातार चल रहे हैं। ये सोच, वही सोच है जो वंशवादी सोच, ये वही सोच है वंशवादी सोच, भ्रष्टाचार को अपना एकाधिकार समझने वाली सोच, लोकतंत्र के गला को घोंटने वाली सोच, और भाई भतीजे के नाम पर, बात के नाम पर पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच, और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग, जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। अब इसकी खुन्नस कैसे निकालें, इसके लिए इनके द्वारा खड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से खड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें इस प्रकार के खड्यंत्रों से घबराना नहीं चाहिए। एक खड्यंत्र
इनके वास्तविक चेहरों को प्रदर्शित कर देता है। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के बारे में इनके मन की क्या सोच है, इनके खड़यंत्र स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इनके चेहरों को बेनकाब करके रख देता है। लेकिन हमें इनके खड़यंत्रों से घबराना भी नहीं है और न ही हमें इसमें किसी भी प्रकार से पीछे हटने की आवश्यकता है। हमारा कार्य न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर, हमारा काम तो शासन की योजना सबका साथ सबके विकास के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा कार्य है और इसको ही हम अपने जीवन का लक्ष्य मान करके चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कोरोना कालखंड के दौरान तो अद्भुत कार्य हुआ ही, लेकिन विगत 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं दी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति या जीवन सुरक्षा बीमा की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना है, वन नेशन वन पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था, ये सभी कार्य ऐसे हैं जो प्रत्येक नागरिक के और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बनने जा रहे हैं। और इसीलिए अपनी हताशा और निराशा को मिटाने के लिए नए नए खड़यंत्र और नए नए हथकंडे अपनाने का कार्य लोग कर रहे हैं। जो लोग 50 वर्षों में गरीब को आवास नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाए, आज वे लोग अपने खुन्नस खड़यंत्र और साजिश के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने 50 वर्षों में प्रदेश में माफिया गिरी पनपाई, अराजकता पनपाई, शोषण और भ्रष्टाचारी तत्वों को प्रश्रय दिया, वही लोग आज खड़यंत्र में लगे हैं। हमें इनसे सावधान होना होगा। आज आपने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा है। दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। यह निवेश हमारे लिए केवल विकास का आधार मात्र नहीं है, यह निवेश हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी साधन बनता है। भाइयों बहनों, कल्पना करिए, 15 वर्षों में प्रदेश में जितनी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी, अकेले 3 वर्ष में हमारी सरकार ने 3 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां प्रदेश के नौजवानों को दी हैं। 20 लाख से अधिक नियुक्तियां नौकरियां हम लोगों ने निजी क्षेत्र में दी हैं। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की संभावना और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया है। ये पिछले 15-20 वर्षों में इतना काम नहीं हो पाया जितना कार्य मात्र 3.5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर करके दिखाया। और अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ये कितने भी खड़यंत्र करें, विकास के मार्ग में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, विकास रुकने नहीं देंगे, ठहरने नहीं देंगे। ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा होगा और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं पिछले दिनों गया था जौनपुर में, 6 सितंबर के पहले ही मैं गया था जब वहां पे फसल व्यापक क्षति हो रही थी, उस समय भी मैंने वहां का दौरा किया था। इससे पहले भी मुझे जाने का अवसर मिला था जब मेडिकल कॉलेज का नामकरण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के नाम पर हम लोगों ने किया था। और 26 सितंबर को जब मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो उससे मुझे 3 महापुरुषों को सम्मानित करने का और उनके नाम, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर मिला था।
राजा जौनपुर स्वर्गीय श्री यादवेंद्र दत्त दुबे जी के नाम पर के नामकरण की कार्रवाई, प्रख्यात वैज्ञानिक जिनोम फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर लालजी सिंह जी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए नामकरण की कार्रवाई, निषाद राज के नाम पर विद्यालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, ये सभी कार्यक्रम इसीलिए आगे बढ़ाए गए थे कि विकास केवल भाषणों तक सीमित न हो बल्कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक ले सके, देख सके और उन योजनाओं के माध्यम से लोगों का अपनत्व का एक भावनात्मक लगाव उस विकास के कार्य के साथ जुड़ सके, इसी भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपसे सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने 26 सितंबर को भी आपके साथ बैठक की थी, वहां की योजनाओं के बारे में चर्चा की थी, पर आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद करिए, आपके जिले में पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली बिना भेदभाव के सबको मिल रही है। याद करिए, पहले कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदहाल थी, आज कानून व्यवस्था की स्थिति तो बहुत बेहतर स्थिति में, हर व्यक्ति सुरक्षित है। पहले माफिया और अपराधी गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाते थे, आज बुलडोजर इन माफिया और अपराधियों के घरों में चल रहे हैं, जिन्होंने अवैध अर्जित की गई संपत्ति आज उस पर चल रहे हैं। अंतर यही आया है, पहले माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें थी तो गरीब पर अत्याचार करती थी, आज गरीबों को संरक्षण देने वाली और जनता को जनार्दन मानने वाली सरकार है तो माफिया और अपराधियों को वह उनका सही ठिकाना बता रही है कि इनकी जगह कहां होनी चाहिए, और उसके अनुरूप कार्रवाई भी उसी स्तर पर प्रारंभ भी हुई है। यह कार्य जनता के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन को गरीब तक पहुंचाने के लिए और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह अभियान है। और यह अभियान जौनपुर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जौनपुर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्म भूमि रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्म भूमि होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, और ये प्रश्न आप जनता जनार्दन के सामने भी कर सकते हैं कि अगर हमने योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए जब कोई भेदभाव नहीं किया, ना आवास देने में, न विद्युत के कनेक्शन देने में, न शौचालय देने में, न रसोई गैस का कनेक्शन देने में, न आयुष्मान भारत का लाभ देने में, किसान सम्मान निधि के लाभ देने में जब कोई भेदभाव नहीं, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो प्रत्येक नागरिक को जुड़ना चाहिए। हरेक व्यक्ति का स्वतस्फूर्त भाव लगा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। क्या कारण है कि सबके बावजूद भी जातीयता के नाम पर लोग समाज को विभाजित करने में सफल हो जाते हैं? इसकी तह में हमें जाना पड़ेगा। यह विभाजन विकास को कमजोर करता है, और जब भी विकास कमजोर होता है, याद रखना, इसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ती है, हर एक तबके को चुकानी पड़ती है। डेवलपमेंट जब भी थमेगा पलायन होगा, डेवलपमेंट जब भी रुकेगा गरीब से लेकर के समाज के हर एक तबके पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि उपचुनाव को मात्र एक उपचुनाव की औपचारिकता ना बनाए। उपचुनाव का मतलब विकास की एक नई धारा को फिर से प्रारंभ करने का है। मल्हनी विधानसभा क्षेत्र
इसी जिससे किसी भावनाओं में पहने की आवश्यकता नहीं, उसे परिणाम में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग इसके साथ जुड़े हैं।